हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुदीप्तस ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? और मेरी तरफ से आप सभी को भूत चतुर्दशी की बहुत सारे शुभकामनाएं। जिन लोगों को पता नहीं है कि भूत चतुर्दशी क्या होता है, सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बंगाली में एक रिचुअल्स होता है, एक्चुअली दिवाली के जो एग्जैक्ट पहले दिन है वो आज है। आज एक रिचुअल्स ये है कि जो साग पत्ते होते हैं ना, जो ग्रीन कलर का, जैसे इधर लाल मठ मिलता है वैसे 14 टाइप्स का जो है साग पत्ता, वो एक साथ पका के आज खाना होता है। और शाम के टाइम दिया जलाना होता है, 14 दियास। ये माना जाता है कि जो पूर्वज है हम लोगों का, उनके लिए ये दिया जाता है, उनके आत्मा के शांति के लिए। सो ऐसा एक रिचुअल्स है, तो इधर वो नहीं होता है। सॉरी गाइस, एक्चुअली इधर पटाखे बहुत सारे फोड़ रहे बच्चे लोग, कल से शुरू हो गया तो थोड़ा आवाज़ आ रहा है इसलिए। और मैं अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं बाहर आके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत लाइट लगा लिया है मैंने। सो थोड़ा होता है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का वाइब्स आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। नेचुरली बालकनी जो है वो अंधेरा रहता है, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो मैंने सोचा कि आज बाहर आके मैं चाय पीऊँगी और आप लोगों से बहुत सारे बात करूँगी। सो जो मैं बोल रही थी, भूत चतुर्दशी, सो वही यही है। सो ये है एक रिचुअल्स जो भूत चतुर्दशी होता है, तो हमारे मतलब बचपन से मैं ये करती आई हूँ। सो इधर वो पॉसिबल होता है क्योंकि इतना सारा वेजेस, मतलब इतने तरह का शाक पत्ता भी कहाँ मिलेगा मुझे इतना पता नहीं है। सच में सच बताऊँ तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि अभी भी मतलब जो सब्जी वगैरह जो शॉपिंग है वो मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता कि वो मिलता है या नहीं। सो कल है दिवाली। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सुदीप्तस ब्लॉग, और आई होप कि आप सभी का दिवाली का जो डेकोरेशंस वगैरह जो है, साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। मेरा भी हो गया है, कल मैंने ख़त्म किया, कल ही मैंने लाइट्स लगाई। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बहुत दिन मैंने बात नहीं किया, तो आके एक छोटा सा ब्लॉग मैं बना लेती हूँ। वैसे आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रेसिपी है, सो वो मैं अभी दिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट गेट स्टार्टेड रेसिपी। सो चलो देख लेते हैं। तो पहले मुझे ऐसे इसको कट करना है ऐसे पीसेस में छोटे छोटे। तो अभी मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, अभी मैं इसको बॉईल करूंगी थोड़ा,
क्योंकि इसका जो एक स्मेल रहता है कच्चा वो चला जाएगा और ऊपर से थोड़ा बॉयल भी हो जाएगा। सो अभी पानी ले लिया है मैंने, तो याद रहे इसके अंदर नमक मत डालना क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही नरम है। सो नमक डालोगे तो और ज़्यादा नरम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखो अभी बॉयल हो चुका है, अभी इसको अच्छे से ड्रेन करना है। अभी थोड़ा ठंड होने के बाद मुझे मैरिनेट करना है, तो मैरिनेट के लिए मैंने इधर लिया है राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है और नमक और काली मिर्ची पाउडर। तो एक साथ ये सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है अभी। और इधर मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सब कुछ। अभी कॉर्न को मैं इसमें ऐड करूँगी और धीरे धीरे करके इसको मैरिनेट करना है। याद रहे पानी अभी नहीं डालना है, अगर ज़रूरत पड़े तो ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी कॉर्न के साथ थोड़ा पानी रहता है, तो आपको अगर लगे तो थोड़ा डाल सकते हो। अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 1 आवर के लिए। और इधर मैंने लिया है प्याज लहसुन और हरी मिर्च ऐसे टुकड़ करके, अभी ऑयल लिया है क्योंकि मुझे अभी इसको फ्राई करना है। और फ्राई करते समय याद है कि मीडियम आंच में ही करना है आपको। ये बहुत ही नरम है तो आपको थोड़ा प्यार से करना है इसको, बहुत जल्द नहीं करना है। एक बार जब फ्राई हो जाएगा तो एकदम मतलब कुड़कुड़ा हो जाएगा, तो अब जब बर्तन में निकालोगे ना तो आवाज़ आएगा उससे, तो तभी समझ लेना कि एकदम अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो अभी उसी तेल में मैंने डाल दिया है ये कटी हुई प्याज लहसुन और हरी मिर्च, और अभी डाल रही हूँ टमाटर सॉस, सोया सॉस, और अभी मैं चिंग्स का सेजवान चटनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। ये सेजवान चटनी जो है ये ऑप्शनल है, पर ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। आप इसको अगर डालोगे तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। और अभी इसमें मैं जो पानी ऐड कर रही हूँ, कॉर्न फ्लावर मैं पहले से ही ऐसे पेस्ट करके रखी थी, तो इससे क्या होता है आपका कॉर्न में जो मसाला जो है एकदम अच्छे से उसमें लग जाएगा। अभी इसमें कॉर्न को ऐड करना है और अच्छे से सब कुछ मिक्स करना है। तो देखो अभी ऐसा ये तैयार हो गया है, और आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ या पुलाव के साथ, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हो। तो सो ये रेडी हो गया कॉर्न चिली। सो कैसा लगा आप सबको मेरा ये दिवाली स्पेशल जो रेसिपी है? एक्चुअली कॉर्न का मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि एक मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं एक कॉर्न का वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट वो अमेरिकन जो कॉर्न है वो है, ये बेबी कॉर्न है। एक्चुअली मुझे बेबी कॉर्न मिल नहीं रहा था, बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला। तो फाइनली जब मुझे मिला तो मैंने एक्चुअली 4-5 बार बना चुकी हूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि कैसे बनाया जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेक की है, वीडियो देखी है और मामा से भी सुना है मैंने कि कैसे बनाया जाता है कॉर्न को। तो ये जो कॉर्न है इसमें जो मैंने देखा सब जो मैंने देखा सबसे जो सुना सब कुछ मिला के ये खुद का मेरी एक
बोलते हैं ना जो खुद का एक तड़का होना चाहिए, तो ये मेरा एक खुद का तड़का है। सब कुछ के देख के मेरा मुझे जो लगा कि ऐसे करना चाहिए तो मैंने वैसे किया। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इधर मैंने ये सारा लाइट लगाया है, पिछले बार जो लगाई थी वही है। बहुत सारा डेकोर तो मैंने नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। तो कैसे लगा ये सारा जो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मेरी तरफ से आप सभी को एंड आपके फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना और सबको मिठाई खिलाना, खुद भी मिठाई खाना खुद। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आज का ये जो छोटा ब्लॉग है यहीं पे एंड करूँगी और मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, और आप अगर मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करो और उसके पास जो बेल का बटन दिया रहता है उसको जाके दबा दो, ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Oh. You see?